जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं सचिन बोथरा, थानला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से। मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था प्रयास भैया को बुलाने के लिए कि मेरे घर में कुछ नेगेटिव्स, कुछ ऊर्जा ऐसी कुछ लग रही थी मुझे। कुछ उससे पहले मेरी वाइफ का आकस्मिक देहावसान हो गया था, तो उससे संबंधित मैं प्रयास भैया को बुलाने का बहुत प्रयत्न कर रहा था। फिर उन्होंने अपना समय की अनुकूलता देखते हुए यहाँ पधारने की कृपा करी, तो आज उन्होंने उनके प्रयास से जो भी संभव हो सकता था वो सब करके और घर की नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करी है। जय जिनेन्द्र मित्रों, जैसे कि आज मैं थानला झाबुआ में वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं आपको इससे पूर्व भी बता चुका हूँ कि किसी भी घर का अगर मुख्य दरवाज़ा अग्निकोण में आता है तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आज मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाएं भैया, कि जिस सड़क का दक्षिण मुखी मकान है और सड़क का जो एंट्री गेट है ये प्रॉपर अग्निकोण में बन गया। इसके साथ साथ जब दोषों में महादोष हो जाते हैं तो और समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अग्निकोण का दरवाज़ा, महिलाओं को परेशानी, इसके साथ ईशान कोण में रसोई जो कि जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया, जिससे कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन टेंशन बना रहता है। सर की वाइफ ने जैसे कि जो भी सुसाइड किया उसका मुख्य कारण एक ही रहा, क्योंकि अग्निकोण का दरवाज़ा और ईशान कोण की रसोई, क्योंकि ईशान कोण में रसोई जब होती है तो व्यक्ति की मानसिक सोच को परिवर्तित कर देती है, नेगेटिव थिंकिंग बना देती है और वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटना घटित कर सकता है। और इसके अलावा ज़मीन की ऊर्जा चेक की थी, तब ज़मीन की ऊर्जा अति नकारात्मक पाई गई थी। आज यहाँ पर ड्रिल मशीन से छोटे छोटे छेद करके और पूजा पाठ करके पूरी इसमें मंत्रोच्चार के साथ और नेगेटिव एनर्जी रिमूव की गई है। अब डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी चेक करता हूँ सर के सामने। जब डाउजिंग टेक्निक से पहले रॉडों से एनर्जी चेक की थी, तब जो डाउजिंग टेक्निक से रॉडें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, और अब जहाँ पे एनर्जी का परीक्षण करता हूँ तो आप देखिए कि रॉडें एकदम स्पीड से पंखे की तरह क्लॉकवाइज घूम रही है और जहाँ एनर्जी पूरी पॉजिटिव हो चुकी है। आज इसके साथ साथ इसमें मैं आपको सबसे बड़ा एक और उदाहरण देता हूँ कि इससे पूर्व सर के यहाँ जैसे कि वास्तुविद आए हुए थे, जो मैं आपसे पूछता हूँ, प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टर, प्लास्टिक खुद चार्ज नहीं होती, आपको क्या चार्ज करेगी। प्लास्टिक के पिरामिड लगाए गए थे, इससे किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन नहीं मिला। इसके लिए धन वृद्धि के लिए अलमारी तिजोरी में रखने के लिए प्लास्टिक का ये पिरामिड मैं पूछ रहा हूँ, अगर प्लास्टिक के पिरामिड से धन वृद्धि जिस दिन होने लगे तो निश्चित रूप से उस घर में इसकी बाढ़ आ जाएगी, लेकिन यह रखने के बाद भी कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं मिले। अगर आपको पिरामिड का यूज करना है, प्योर धातु का यूज करो। आप पे ज़्यादा पैसा है तो सोने का उपयोग करो, कम पैसा है तो चांदी का उपयोग करो, बहुत कम पैसा है तो तांबे का उपयोग करो, तो निश्चित रूप से वहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी। आप देखो प्लास्टिक के पिरामिड किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी जनरेट नहीं करते, और जहाँ पर घर में तिजोरी के अंदर रखवाया गया कि इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आप कोई भी अपने मानसिक संतुलन को दिमाग लगाएं कि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो मैं हूँ, या कोई भी एक्सपर्ट वास्तुविद है, वह क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, किस शास्त्रों में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सब पूछकर आप कार्य कराएं तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सर, आपने जिस विश्वास से कार्य कराया है, ये वीडियो के माध्यम से वचन है कि आपको 100% सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और आपको जो उपाय बताएं ऊपरी वो बाकी के आप पूरे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपने जिस विश्वास से आज मुझे थानला झाबुआ विजिट कराया उसके लिए धन्यवाद, और जो मैंने मेरी वजह से आपको अभी तक कोई कष्ट हुआ हो उसके लिए अंतर मन से क्षमा प्रार्थना, और सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं और मेरा परिवार भी प्रयास भैया के बहुत बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने अपने समय में से अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारने का कष्ट करा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सबको।